Om Shanti, my Dr. Santosh Kumar Upadhyay, neurophysiotherapist from Extra Care Physiotherapy Center, Lucknow. दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो MRI में Modic changes लिख के आता है grade 1, grade 2, grade 3, ये क्या होता है, इसकी grading का interpretation क्या है, इसके अलावा दोस्तों ये Modic changes जो होता है इसका कारण क्या है, इसमें यदि किसी को तकलीफ है तो क्या सिम्टम्स आते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि ये Modic changes जो होता है ये क्या होता है। दोस्तों जैसे कि एक वीडियो इससे पहले हमने बनाया है डिस्क डेसिकेशन के विषय में, कि जो हमारा डिस्क होता है वो डेसिकेट हो जाता है, जिसको डिजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। दोस्तों इसी तरीके से ये जो Modic changes होता है इसको भी ज़्यादातर हम लोग डिजेनरेटिव डिजीज़ के रूप में ही रखते हैं, जो एज के साथ होने वाले बदलाव होते हैं। अब बात आती है डिस्क डेसिकेशन होता है ये डिस्क में होता है, और जो Modic changes ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होता है ये दोस्तों हमारे वर्टिब्रा का जो एंड प्लेट होता है इसमें जो चेंजेस होते हैं इसको हम लोग Modic changes बोलते हैं। माइकल Modic जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने 1988 में दोस्तों इस क्लासिफिकेशन को बनाया था और इसको क्लासिफाई किया गया, तब से ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में ज़्यादातर देखने को मिलता है। दोस्तों यदि ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें चार ग्रेडिंग है, जीरो जो है वो नॉर्मल होता है, और बेसिकली देखा जाए तो तीन ही ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो जो दोस्तों ग्रेड 1 होता है उसमें बेसिकली मेरो एडिमा दिखती है, कि जो हमारा नीचे वाला एंड प्लेट है इसमें जो डिजनरेशन आपको दिख रहा है इमेज में, इसमें जो हमारा मेन चीजें हैं वो मेरो एडिमा है। यदि ग्रेड 2 की बात करूं दोस्तों तो इसमें जो दिखता है वो हमारा फैटी डिजनरेशन है, कि ये जो फैटी डिजनरेशन आपको दिख रहा है ये ग्रेड 2 हो गया। और यदि ग्रेड 3 की बात करें दोस्तों तो इसमें बोनी स्क्लेरोसिस दिखती है, जो आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो जाती है। अब बात आ रही है दोस्तों कि जो हमारे ये ग्रेडिंग्स हैं इसको हम लोग एक डिजनरेटिव चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है कि इसमें किस तरह का सिम्टम आता है, यदि Modic changes है तो इसमें सिम्टम क्या आता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें Modic changes तो दिखते हैं लेकिन उनमें पेन नहीं होता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें Modic changes भी होता है और पेन भी होता है, तो इनमें जो ज़्यादातर पेन का आता है दोस्तों वो 24 घंटे पेन पे टर्न रहता है, 24 घंटे हल्का हल्का पेन बना रहता है, ज़्यादा दिन तक क्रॉनिक लोअर बैक पेन रहता है। और इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बोलूँ तो वो मॉर्निंग में स्टिफनेस और पेन ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि दिन भर एग्जर्शन वाला काम करे या ज़्यादा काम करे तो रात में पेन ज़्यादा होता है दोस्तों, इसीलिए कई बार हमें MRI कराना पड़ता है और इसे पता चलता है। और एक फिजिकल फाइंडिंग दोस्तों और बहुत कॉमन होती है कि जब पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप हाइपर एक्सटेंशन करिए, यानी कि पीछे के तरफ खड़ा होके जब हम लोग झुकाते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेन इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी एक उसका मेन सिम्टम आता है। अब किन में ये कॉमनली देखा जाता है दोस्तों, ज्यादातर ये जो है ये डिजनरेटिव कंडीशंस की प्रॉब्लम है, तो 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद ये ज़्यादातर कॉमन देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनका वेट ज़्यादा है उनमें ये कॉमनली देखने को मिलता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कॉमनली देखने को मिलता है, या फिर जिसको ऑटो इम्यून डिजीज है दोस्तों उनमें भी Modic changes देखने को मिलता है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि ये जो Modic changes है इसका कारण क्या है, तो अभी तक बहुत प्रॉपर इसका कारण तो नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है वो बेसिकली दोस्तों तीन तरह का है। एक तो मैकेनिकल इन द सेंस कि यदि मैं बोलूं कि कई बार आप देखेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डिस्क डेसिकेशन बहुत ही कॉमन है, डिजनरेशन बहुत ही कॉमन है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा डिस्क हर्निएट कर गई या डिस्क का साइज कम हो गया, डिस्क डेसिकेशन में चली गई तो एरिया कम हो गया, तो हमारा जो वर्टिब्रा का लोअर या अपर एंड प्लेट है इसमें बार बार एक्टिविटी होने की वजह से जो मैकेनिकल प्रेशर आता है उसकी वजह से उसमें माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है, या माइक्रो फ्रैक्चर बोलते हैं, जो कि हमें देखने को ज़्यादातर मिलता है कि उसमें प्रॉब्लम हुई और धीरे धीरे इस तरह का Modic changes ग्रेड 1 का दिखने लगा, और इसकी वजह से भी कभी कभी पेन होता है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या हुआ कि जिनमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या इस तरह की प्रॉब्लम है उनमें भी
कई बार ऐसा देखने को मिलता है उनमें जो वर्टिब्रा का इंड प्लेट है उसमें इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा प्रूवन तो नहीं है बट इस पे भी ज़्यादातर कंडीशन देखा गया है जिसमें एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चलता है। कई बार ऐसा बोला गया है कि डिस्क का डिजनरेशन होने की वजह से या हर्निएशन होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से भी इस तरह का मोडिक चेंजेस देखने को मिलता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि अभी तक ये बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, इस पर बहुत सारा काम चल रहा है बट ये कारण एक अज्यूम किया जा रहा है और ऐसा देखा जाता है इसमें। इसलिए यदि मैं बोलूँ कि हर मोडिक चेंजेस जिसमें निकल रहा है उसमें लोअर बैक पेन हो ये जरूरी नहीं है, बट एक्यूट कंडीशन में दोस्तों यदि पेन है तो डेफिनेटली आपको अपने नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, अपने आर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए या न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए, न्यूरो फिजिशियन से मिलना चाहिए और एक बार इसको प्रॉपर एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत होती है। मेन बात आती है दोस्तों कि इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है। तो यदि मैं प्रिकॉशन की बात करूं तो ज़्यादा आगे झुकने वाला एक्टिविटी ना करें, झटका वाला मूवमेंट ना करें, ज़्यादा देर तक एक पोस्चर में ना रहें, स्टेयर क्लाइंबिंग थोड़ा कम करें और पेन यदि ज्यादा हो तो थोड़ा सा लाइट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करें लेकिन बहुत एक्जर्शन वाली एक्टिविटीज ना करें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से नियर बाई जाके मिलें और वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।